अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद मंसूर चौधरी, ऑल इंडिया जमीयतुल खैर तेलंगाना यूथ विंग प्रेसिडेंट। पिछले काफी दिनों से लंबी स्क्रीन के बारे में मीडिया में जो सोशल मीडिया पे जो वायरल हुई हुई है, अदर स्टेट में महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे जो है तो ये स्किन बीमारी के लिए फैली थी और उसके चलते महाराष्ट्र के एक डॉक्टर ने बयान दिया था, लेकिन वो बयान के लिए फिर महाराष्ट्र हुकूमत ही जो है वो कंडम करी और 30 सितंबर के दिन एक गैजेट जारी करी। मैं अभी अभी मीडिया वालों को बता चुका हूँ कि वहाँ पे जैसे ये डिजीज के बारे में जो बीफ हो या मीट हो कंजम जो हम करते हैं, इसमें कोई किस्म की हमारे को ट्रांसमिट नहीं होती है, लेकिन सोशल मीडिया पे तमाम तरह चीज़ें जैसे वायरल हो रही है और शहर में हमेशा अब शहर में भी आ चुके हैं बोल के कुछ जानवर बता रहे हैं। देखिए, रोड पे फिरने वाले जानवर से कुरैशी बरादरी का कोई व्यवस्था नहीं है। कुरैशी बरादरी हमेशा बाजारों से सेहतमंद तंदुरुस्त जानवर खरीदती है, यहाँ तक कि हम बीमार जानवर नहीं खरीद सकते, अगर कोई लगड़ा रहा तो भी नहीं खरीदते, कुछ भी नहीं खरीदते, लेकिन ये बीमारी जो है दिखने वाली स्किन डिजीज है ये, अब ये सोशल मीडिया पे गैर जरूरी वायरल कर रहे हैं। और ये मैं सभी से अपील करता हूँ कि आप लोग बिला झिझक जो बीफ कंजम करिए, चाहे मिल्क हो, तमाम चीज़ें जो आप कंजम करिए, कोई ऐसी बात नहीं है, बिला खौफ आप जैसे उसको कंजम कर सकते हैं। कुछ लोगों की शरपसंद अनासी की जैसे इसमें साजिश है, जैसा अदर स्टेट में महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, वहाँ पे बीजेपी की हुकूमत है, वहाँ पे जैसे ये लोग कौ तो बैन है सब जगह, लेकिन वहाँ पे ये लोग बीफ भी बैन कर चुके हैं, उसी के चलते वहाँ पे हजारों की तादाद में मौत हो रही है जानवरों की, लेकिन वो लोग इसको बहाना जैसे लंबी स्क्रीन के बारे में देने के लिए जैसे गैर जरूरी जैसे ये लंबी स्क्रीन को उछाल रहे हैं मीडिया में। लंबी स्क्रीन कोई नई बीमारी नहीं है, स्किन डिजीज है, सिर्फ स्किन डिजीज, उसके चलते हमारे महाराष्ट्र हुकूमत का गैजेट भी आया स्किन डिजीज के, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके नुकसान क्या है, तमाम सारी चीज़ें ये आगे मैं रख देता हूँ। सिर्फ ये जो है सो नाम निहाद लुटेरे, अगर ये लोगों को अगर हमदर्दी है तो आप लोग जाइए महाराष्ट्र में जाइए, उत्तर प्रदेश में जाइए और हमारे हरियाणा में जाइए, गुजरात में जाइए, वहाँ पे हजारों की तादाद में बीफ बैन है तो जानवर मर रहे हैं, उसको चलते ये लोग लिंबी स्किन की डिजीज से मर रहे हैं बोल के ये आंकड़ा जो है सो छुपाने के लिए कर रहे हैं। अब यहाँ पे शहर में जो है सो बकरीद के टाइम पे हजारों की तादाद में जानवर को लूटा गया और प्राइवेट गौशालों में डाला गया, हजारों की तादाद में जो है सो जानवर मर चुके हैं, इन लोग को बताने के लिए रिकॉर्ड नहीं है, हजारों करोड़ों रुपये जो है सो ये गौरक्षक को जो है सो घास के नाम पे जो सो ये गौशालाओं को फंडिंग मिलती है, लेकिन ये देख रेख नहीं कर रही, ये लोगों की लापरवाही की तरफ से बीफ बैन, अदर स्टेट में जो भी बंद है बीफ बैन जहाँ वहाँ पे हजारों की तादाद में जानवर की मौत हो रही है। अब ये शहर में यहाँ पे तेलंगाना में आ गया, हैदराबाद में आ गया, ये ऐसी कोई बात नहीं है, रोड पे फिरने जानवर काटने ने कुरैशी बरादरी, हम जो भी स्लॉटरिंग करते हैं यहाँ पे डॉक्टरों की निगरानी में होता है, या शहर में यहाँ पे जो भी स्लॉटर है लीगल स्लॉटर है तीन है, अंबरपेट, भोईगोड़ा और सिकंदराबाद रमनसपुरा, ये यहाँ पे डॉक्टरों की निगरानी में माल कटता है, यहाँ पे फिट फॉर स्लॉटर का सर्टिफिकेट जाता है, फिर स्लॉटरिंग हुई बाद में उसके बाद में यहाँ पे एंटीमार्टम पोस्टमार्टम होता। देखिए, ये हलाल चीज़ है, हलाल चीज़, ये कोई फार्मिंग चीज़ नहीं है, हलाल चीज़ है, ये जानवरों को हम जैसे फार्मिंग के रहते तो और बात है, इसमें जैसे बरकत है, हलाल में बरकत है, आप इसको भरपूर तरीके से जैसे कंजम कर सकते हैं, अच्छे तरीके से आप लोग कंजम करिए, और ये जो अफवाह चल रही है ये आप कान ना धरें, और मैं मीडिया के भाइयों से भी अपील करता हूँ, देखिए आप लोग तस्दीक करिए, आप कुरैशी लोगों से वाबस्ता करिए, कुरैशी लोगों को कांटेक्ट करिए, कुरैशी लोगों को कांटेक्ट करते हुए चीज की आप बीमारी की तस्दीक करिए, तस्दीक करके आप जैसे मीडिया में जितना चलाना है चला सकते हैं, क्योंकि जैसे ये हजारों की तादाद में कुरैशी बरादरी के लोग कारोबार से वाबस्ता है, इसका असर जैसे छोटे मोटे जैसे कारोबार करने वालों पर पड़ रहा है। मेरी आपसे अपील है कि आप इसकी तस्दीक करिए, चाहे मुझसे रब्त करिए, बिला झिझक कभी भी लीगल स्लॉटर करने आप आइए, विजिट करिए, हम लोग सर्वे कराते हैं और जैसे आप लोग को मुतमइन भी करेंगे कि यहाँ पे इस तरह का काम नहीं होता है। मेरा नाम खालिद हाशिम कुरैशी है। ये जो लुम्पी डिजीजेस चल रहा है इसके लिए यहाँ पे हमारे पास पूरे उंदा जानवर काटे जाते हैं और हमारे पास पूरे डॉक्टर्स जितने भी हमारे चार स्लाटर हाउसेज है, अंबरपेट, भोईगुड़ा, रमनसपुरा और चंगीचरला, ये चार स्लाटर हाउसेज में हर एक जगह पे डॉक्टर्स रहते, हर एक स्लाटर हाउस के ऊपर दो दो डॉक्टर रहते, लेकिन यहाँ पे क्या है, दूध के ऊपर बोल रहे हैं, गोश्त के ऊपर बोल रहे हैं, दूध के ऊपर नहीं बोल रहे हैं, दो भी चीज़ें जानवर से ही निकल रही हैं, लेकिन क्या है, ये पूरे जितने भी है गौरक्षकों की साजिश है और ये बरादरान कुरैश को बदनाम करने की साजिश है इसमें, तो लिहाजा आप तमाम लोग बड़े अच्छे तरीके से जैसा पहले खाते थे वैसे ही खाइए, कोई भी नहीं है इसके अंदर, कोई तकलीफ नहीं है और इंशाल्लाह आगे होंगी भी नहीं। आप लोग जानवर पकड़े जा रहे हैं जी, और ये लंपी डिजीज का आया, तो आपके सदर कहाँ है, आपके प्रेसिडेंट कहाँ है? मिसिंग है हमारे सदर, उनका अता पता कुछ भी नहीं है, खाली पैसे से और पोजीशन से मोहब्बत है उनको, नहीं करते यहाँ पे, नहीं 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 करते, लेकिन अब ये चीजों के बाद में करते, अब
अब आप लोग में से कोई सदर के लिए ठहरना चाहिए था ना। अरे भाई ठहरना चाहिए था बोले तो पूरे, अब ऐसा है यहाँ पे हमारे पास का माहौल कि सदर उनो है कुर्सी पे धूल है लेकिन सदर नहीं है। तो आप लोग की कुरैशी बिरादरी में पॉलिटिक्स आ गई, तो आप बिल्कुल पॉलिटिक्स आ गई पूरी हमारे पास पॉलिटिक्स, हम लोग आवाज उठा रहे हैं लेकिन हमारे खिलाफ क्या किया जा रहा है। चीजों में बोलना आपके सदर का काम है, बोलने का बिल्कुल सदर का काम है लेकिन सदर लापता है यहाँ से, क्या कर सकते हैं। अब नौजवान है जमीयतुल कुरैश उठी हुई है, सदर सलीम साहब है बदकिस्मती से, और बदकिस्मती से भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर भी है पूरे स्लाटर हाउसेस के। आप लोग आवाज उठा रहे हैं तो आप लोग पे जुलुम क्या हो रहा है। जुलुम ये हो रहा है कि टास्क फोर्स में हम लोगों के नामा दिए हुए है, कम्प्लेन दिए हुए है, और ये गौरक्षकों का जो साथ दे रहे हैं वो लोग, जो जितने भी गौरक्षक का जो साथ दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन यहाँ से जो दे रहे हैं, तमाम तर चीजें हैं हमारे पास, इंशाल्लाह आने वाले दूसरे पार्ट के अंदर हम लोग पूरा खुलासा करेंगे। जा रहा कहाँ पे? जा रहा वहाँ पे, फिर वापिस भी आ रहा है, इन्हों फूल शाल पे लेने आ जा रहे हैं। बिल्कुल पूरे है हमारे पास ऑथेंटिक पूरे प्रूफ है, इंशाल्लाह जिस टाइम पे भी हम पूरा तैयारी करेंगे, तैयारी करके बैठे हुए, इंशाल्लाह वक्त आने के ऊपर मीडिया के सामने खुलासा कर देंगे तमाम तर चीजें। ये कालू सिंह का किससे रिश्ता है, सलीम साहब का राजा सिंह से क्या रिश्ता है, मैं पहले भी एक बार बोला था 11:20 को उनको कॉल आया था, ये तमाम चीजें खोलेंगे क्योंकि इनका रिश्ता है क्या। की तरफ से आप लोग को लॉस हो रहा पूरा, पूरी बरादरान कुरैश को आज नुकसान हो रहा, उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सलीम साहब है, सदर जमीयतुल कुरैश बनकर हज कमेटी के चेयरमैन है उन्होंने।